हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो भाई बहन मेरे साथ बने हुए हैं, पहले से मेरे सभी वीडियो देखते आ रहे हैं, उन सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। UP SSC पेट के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख करके आई हूँ सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो GS में जितने ही पूछे वाले हैं, चाहे वो इतिहास के हों, राष्ट्रीय आंदोलन के हों, भूगोल हो, अर्थव्यवस्था, संविधान हो, सामान्य विज्ञान हो, सामान्य हिंदी हो, कुछ भी हो, उनमें से ये आपका पेट का सिलेबस है। हाँ, और इसको 15 खंड में डिवाइड कर रखा है। तो इस तरह से सबसे पूछे जाने वाले ये प्रश्न हैं, इस टॉपिक से आएंगे। तो अभी तक हमने इतिहास के बारे में पढ़ा था, और इतिहास का हमने क्या पढ़ा था उसमें कम से 5-6 टॉपिक क्लियर किए थे, देखते हैं कौन कौन से। इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता देख लिया था, वैदिक संस्कृति को देखा था हमने, बौद्ध धर्म के बारे में जाना था, जैन धर्म को भी पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा था मौर्य वंश, इसमें स्पेशली सम्राट अशोक को पढ़ा था हमने। इसके बाद में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है कि गुप्त वंश, इसमें हमने फोकस किया था स्पेशली समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के ऊपर। अब नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है हर्षवर्धन। तो चलिए वीडियो की ओर, ठीक है, ज़रा टाइम नहीं खराब कर रहे हैं आपका, स्टार्ट करते हैं हर्षवर्धन को आज। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। जो इस पुष्यभूति वंश की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा होता है वो हर्षवर्धन होता है, इसलिए हर्षवर्धन नाम ही इस चैप्टर को दे रखा। और स्पेशली आपके क्वेश्चन इसी बनेंगे, हर्षवर्धन से जितने संबंधित होंगे। तो इसके जबकि हर्षवर्धन की बात हो रही तो हम किसके वंश को पूरे जानेंगे ना, इसके वंश में कौन से राजा ने संस्थापक की थे, कौन पिता थे, कौन भाई थे, कौन क्या थे, इस तरह से। तो चलते हैं आगे। पुष्यभूति ने हरियाणा के अम्बाला ज़िले में थानेसर नामक एक नए राज्य की स्थापना की थी। पुष्यभूति वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन था, ठीक है, पुष्यभूति वर्धन का। जबकि इसका संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। जो नाम था वंश का वही संस्थापक का भी नाम था। यह पुष्यभूति वंश का चौथा शासक था। कौन? जो प्रथम शक्तिशाली राजा प्रभाकर वर्धन था, चौथा शासक था इसका। इसके विषय में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हर्षचरित्र नामक पुस्तक से मिलती है। किसमें लिखा हुआ है? हर्षचरित्र में लिखा हुआ है इसके बारे में, प्रथम शक्तिशाली राजा के बारे में, प्रभाकर वर्धन के बारे में। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में आपका देखते हैं, प्रभाकर वर्धन ने महाराजा अधिराज तथा परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी प्रभाकर वर्धन ने? महाराजा अधिराज की और परम भट्टारक की उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन की माँ मगध के गुप्त सम्राट दामोदर गुप्त की राजकुमारी थी, ठीक है। प्रभाकर वर्धन की माँ मगध की बात हो रही है, मगध के सम्राट थे कोई, दामोदर गुप्त उनकी राजकुमारी थी ये। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, आप सभी जानते हैं कौन थे वो, राजवर्धन और हर्षवर्धन, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका हर्षवर्धन है। और एक पुत्री थी, ये भी आपको पता है, राजश्री, इनके बारे में पढ़ा था। अभी वीडियो आगे चलने से पहले आपको बता दूँ, ये हम इसका रिवीजन क्विक रिवीजन कर रहे हैं, कम टाइम में आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने वाले हैं। तो ये किसी भाई बहन को अच्छे से गहराई से पढ़ना है, डीप में जाके नॉलेज चाहिए, डिटेल में जाके पढ़ना है, तो प्लीज़ चैनल को विजिट करें जाके, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पर्यावरण हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, और साइंस, इवन साइंस भी यहाँ पे स्पेशली बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ पढ़ाया है वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं आपका। फिर नेक्स्ट टाइम इसके बाद में देखते हैं क्या पढ़ाते हैं, शायद मेरे हिसाब से हम हिंदी के लेके चल गए, हिंदी को लेकर चलेंगे। तो इसे कंप्लीट करते हैं पहले। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री, क्या नाम था इनका, इनका नाम था राजश्री, इनका विवाह कर दिया था। मोखरी वंश का एक शासक था ग्रह वर्मन, इससे विवाह कर दिया था राजश्री का, ग्रह वर्मन से, किन से? तो मोखरी वंश के शासक थे ग्रह वर्मन से राजश्री का विवाह कर दिया। मालवा नरेश देवगुप्त, मालवा के शासक थे कौन? देवगुप्त। और गौण शासक शशांक ने मिलकर ग्रह वर्मन की हत्या कर दी, इन दोनों ने मिलकर, कोई रही दो पुराने टाइम के लड़ाई झगड़े रहे होंगे, ये होता ना कि दुश्मनी बन जाती किसी किसी वजह से, तो उस वजह से अपना कुछ किया रहा उनका, तो उन्होंने इनकी राजश्री के पति की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। यहाँ से बात बढ़ जाती है और फिर लड़ाई आगे बढ़ती जाती है, फिर इस तरह से एक दूसरे से दुश्मनी बना लेती हैं सब। आगे क्या होता है? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हो जाती है? 605 ईस्वी में हो जाती है प्रभाकर वर्धन की मृत्यु। इनकी मृत्यु के समय
हूणों से युद्ध कर रहा था कौन? राजवर्धन। जब प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हुई थी उस टाइम हूणों से आक्रमण कर रहा था राजवर्धन का बड़ा बेटा। प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन राजगद्दी पर बैठा, क्योंकि बड़ा पुत्र था इनका तो उन्हीं को बैठाया गया पहले। परंतु शीघ्र ही उसे मालवा के खिलाफ अभियान के लिए जाना पड़ा। ठीक है, फिर वो चले गए मालवा के अभियान के लिए। मालवा के खिलाफ अभियान की सफलता के उपरांत लौटते हुए मार्ग में गौड़ के शासक, कौन था गौड़ का शासक? गौड़ के शशांक राजवर्धन की हत्या, तो गौड़ के शासक शशांक जो होता है वो राजवर्धन की हत्या कर देता है जब ये मालवा के अभियान से वापस लौट रहे होते हैं। ठीक है, जो कि इनकी बहन की हत्या करता है, बहन के पति की हत्या करता है, वही इनके मतलब इनकी भी हत्या कर देता है राजवर्धन, या इनकी प्रभाकरवर्धन के बड़े पुत्र की। राजवर्धन के बाद हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठता है। हर्षवर्धन के विषय में व्यापक जानकारी बाणभट्ट के हर्षचरित से तथा वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में मिलती है। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर दी? कन्नौज में कर दी। कन्नौज आपका कानपुर के नज़दीक पड़ता है, कानपुर से थोड़ा पहले पड़ जाता है इटावा साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी थानेश्वर से कहाँ पर राजधानी ले गई है? कन्नौज में ले गए। हर्षवर्धन शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था, तो हर्षवर्धन के अन्य नाम से जानती हैं, इनका अन्य नाम था शिलादित्य। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि धारण की थी। यहाँ तक क्लियर हो आपका? आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के टाइम में आया था। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाने वाला चीनी यात्री ह्वेनसांग था। तो ह्वेनसांग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, क्या क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि, इतने नाम से ह्वेनसांग को जानते हैं। चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय, ये चालुक्य वंश के राजा थे। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। ठीक है, हर्षवर्धन एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य इन दोनों के बीच में हुए संघर्ष की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। जब पुलकेशन द्वितीय ने इन्हें परास्त किया हर्षवर्धन को, तो इसकी वह जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है, नागानंद प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट मयूर, हरिदत्त तथा जयसेन आदि विद्वान रहते थे, जैसे उनके चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में रहते थे। इस तरह से यहाँ पे इनके बारे में दे रखा है कि इनके दरबार में कौन कौन थे, तो ये दरबारी कवि थे इनके, बाणभट्ट हैं, मयूर हैं, हरिदत्त हैं और जयसेन हैं। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक था। ये टाइम देखते आ रहे हैं, बहुत से ऐसे राजा शासक हुए जो कोई बौद्ध धर्म को मानता था, कोई जैन धर्म को, कोई आदिवासी संप्रदाय को मान समर्थक था किसी का, इस तरह से। तो जो हर्षवर्धन है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा के समर्थक थे। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्योंकि जब महायान शाखा के समर्थक है तो बौद्ध धर्म को तो मानते हैं, क्योंकि महायान शाखा किसकी थी? बौद्ध धर्म की थी। एक महायान थी, एक ही नान थी। अगला पॉइंट है 643 ईस्वी में चीनी सम्राट ने लियांग हो आई किंग नाम के राजदूत को हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था। इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेते हैं, चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, कब? 5 वर्ष के बाद प्रयाग में, यानी कि इलाहाबाद में, जो आज भी इसका नाम प्रयाग ही हो गया, पहले अभी बीच में इलाहाबाद था और फिर इसका नाम प्रयाग कर दिया गया, एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था। हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में आयोजित सभा को छौम परिषद कहा गया है। क्या कहा है? इस सभा को उन्होंने नाम दिया छौम परिषद। राजवर्धन का प्रधानमंत्री बंडी था। राजवर्धन यानी कि हर्षवर्धन के भाई, उनका प्रधानमंत्री जो बंडी था। हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री क्या? प्रधानमंत्री अवंती तथा महासेनापति सिंहानंद था।
हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री अवंती और तथा महासेनापति सिंहनाथ था। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। कब हुई इनकी मृत्यु? 647 ईस्वी में हो जाती इनकी मृत्यु। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन का मंत्री उत्तराधिकारी बन जाता है इनके वंश का। हर्षवर्धन के समय भूमि कर कृषि उत्पादन का 1/6 भाग वसूला जाता था। कितना था भूमि कर इसका? तो 1/6 भाग वसूला जाता था हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के समय राजस्व के स्रोत के रूप में क्या क्या था? तीन प्रकार थे। कौन से थे? भाग था, हिरण्य था और बलि। ये इनके राजस्व के स्रोत थे। ये तीन प्रकार के कर थे इनके, यानी भाग, हिरण्य और बलि। और थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तकें, तो हर्षवर्धन ने की इम्पोर्टेंट बुक है नागानंद है, रत्नावली है और प्रदर्शिका। ये हर्षवर्धन की इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। अगला क्या है? हर्षवर्धन के दरबार के विद्वान कौन कौन थे? तो ये भी हम अभी पढ़ के आए थे, चार विद्वान थे। एक बाणभट्ट हैं, मयूर हैं, हरिदत्त हैं और जयसेन हैं। ठीक है, तो ये इनकी तीन इम्पोर्टेंट बुक्स हो गई और ये इनके चार ये दरबारी कवि हो गए। अब हर्ष की मंत्रिपरिषद देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद में क्या कैसे क्या पोजीशन थी? प्रधान सचिव भंडी को कहते थे। प्रधान सेनापति सिंहनाद होता था। अश्व सेना का प्रधान कुंतल होता था। गज सेना का प्रधान स्कंदगुप्त और युद्ध और शांति का मंत्री अवंती कहलाता था। ठीक है, ये इनकी पोजीशन थी, इन्हें क्या क्या बोलती थी इनके टाइम में, तो ये सब हो गया यहाँ पे। तो ये था हर्षवर्धन के बारे में छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस टाइप की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और कुछ भी मेरी बात अच्छी बुरी कुछ भी हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी कहना सुनना हो मुझे, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, बताएं। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हर्षवर्धन के बाद हम पढ़ेंगे इसका जो भी टॉपिक आता है। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।